खबर कासमाबाद गाजीपुर जनपद से है, जहां शेखनपुर गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग ने काफी तबाही मचाई। आग लगी की इस घटना में आधा दर्जन से ऊपर किसानों के गेहूं की खड़ी फसल गुरुवार की दोपहर में जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसके कारण का पता नहीं चल सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेखनपुर गांव निवासी चंद्रका राजपुर के सात मुंडा खेत में सबसे पहले गुरुवार की दोपहर में आग लगी। आग का कारण देखते देखते लगभग सात बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। इस आग लगी में रामदरस का 15 मंडा, रामाशीष का 3 मंडा, विजेंद्र सिंह का 5 मंडा, प्रमोद सिंह का 12 मंडा, भोला प्रजापति का 5 मंडा, उमाशंकर का 4 मंडा एवं शुभम सिंह के खेत का 5 मंडा गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ग्रामीणों की माने तो खेत के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन का तार गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि स्पार्किंग से निकली चिंगारी से आग लग गई होगी। जैसे ही आग की खबर गांव वालों को हुई, आनन फानन में लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाने में ग्रामीणों को सफलता मिली, नहीं तो आग के लपटे पूरे सिवान के गेहूं की फसल को जला कर राख कर देती। आग लगी में लगभग 7 बीघा गेहूं की खड़े फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। पीड़ित किसानों ने आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों से गेहूं की क्षति का आंकलन कर सभी किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। लेखपाल सुष्मिता सिंह ने खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर आग से जलकर राख हुई फसल के नुकसान का आंकलन किया। इस संबंध में अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक महेश पाल सिंह ने बताया कि आग लगने से कई किसानों की फसल जल गई है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। कासमाबाद गाजीपुर से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। आग कैसे लगी चाचा? अरे जी ये मतलब ये जो टावर की वजह से लगा है, इसमें छटक आप लोगों को मालूम कैसे चला? यहाँ का खेत है ना, तो ये लोग आके बुझाए हैं। आप कितना कितना हुआ पूरा वहाँ तक जल गया है क्या? अच्छा तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान ये टावर की वजह से ही हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो टावर जो लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का जो टावर है, इसके वजह से ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ है और इससे आग जो है खेत में जो है लग गया है। इससे बहुत ज्यादा ये नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं खुद ही किस तरह जो ये नुकसान बहुत दूर तक ये जल चुका है। जनार्दन यादव एक बीघा। हाँ चलिए स्वयं खेती किए थे ना? हाँ लिख देंगे स्वयं। चलिए बाद क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। कैसे आग लगा है? किस मौजा में पड़ता है? शॉर्ट सर्किट से लगा है। किसका किसका लगा है आग? किसका किसका आग लगा है? छह लोगों का लगा है। कितना नुकसान होगा लगभग? कई बीघा का? आठ बीघे का नुकसान हुआ है। किस तरह दमकल द्वारा बुझाया गया? किस तरह आग को बुझाया? आदमी द्वारा जो लाठी डंडा से बुझाया गया, पूरा जल के राख हो गया है। इसके लिए आप लोग उसका आना चाहते हैं सर? यही जो नुकसान हुआ उसको सरकार को हम करें मुआवजा हम लोग मिलना चाहिए। छोटा होगा तो अभी एप्लीकेशन बनाओगे उसका नाम डलवा लेंगे। कितने लोगों का है? नौ। ये हमारा वाला।